हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मेरी किचन शालूज लबबुक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मूली और हरी मिर्च का इंस्टेंट अचार सिखाऊंगी, जिसको आप सिर्फ 5 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं और बहुत टेस्टी लगता है। इसको आप छोले भटूरे के साथ, छोले कुलचे के साथ, या फिर कोई भी स्पेशल आप खाना खा रहे हो या फिर रोजों का खाना खा रहे हो, किसी के साथ भी आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो ऐसी साइड डिश भी बहुत अच्छी है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने मूली ली हुई है। 2 मूली मैंने ली थी और मैंने उनको छीलकर यहाँ पर लंबा लंबा काट लिया है। आप चाहें तो मूली को गोल गोल भी काट सकते हैं या फिर छोटे टुकड़ों में भी काट कर रख सकते हैं। तो इससे हम इंस्टेंट अचार बनाएंगे, बहुत टेस्टी लगता है। फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को एज ए सब्जी भी इंजॉय कर सकते हैं, बहुत फटाफट बनती है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, 4 हरी मिर्च मैंने ली हुई है। तो मैंने यहाँ पर मोटी वाली हरी मिर्च का यूज किया है, जो कि बहुत ज्यादा तीखी नहीं होती है। तो मैं इस इंस्टेंट अचार को बहुत तीखा नहीं बनाना चाहती थी, क्योंकि एज ए सैलेड भी ये चल जाता है। और काफ़ी इस तरह से अगर आप बनाएंगे मूली और हरी मिर्च का अचार, तो एज ए सैलेड भी बहुत अच्छा लगता है। इसको आप काफ़ी क्वांटिटी में खा पाएंगे। तो ये देखिए, हरी मिर्च को आप कट कर लीजिए। यहाँ पर हरी मिर्च को मैंने अच्छे से धोकर पोंछ लिया है और इसको लंबाई में कट कर लीजिए, छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए इसके। तो हरी मिर्च और मूली दोनों हमने काट कर रख ली है। अब इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने ली है कढ़ाई। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के करीब ऑयल, रिफाइंड ऑयल ऐड किया है मैंने। आप मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं। तेल के गर्म होने पर हम इसमें आधी छोटी चम्मच, यहाँ पर ये देखिए राई के दाने मैंने ऐड कर दिए हैं। बहुत ज़्यादा राई नहीं ऐड करनी है, वरना डिश का टेस्ट कड़वा जाएगा। और ये देखिए, अच्छे से जब ये चटक जाएगी तब इसमें आप मूली ऐड कर दीजिए। इसके साथ ही बहुत थोड़ा सा हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, लगभग 1 से 2 पिंच के करीब हल्दी पाउडर ऐड करना है, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है। अच्छे से हाई फ्लेम पर आप इसको 1 मिनट तक सॉटे कर लीजिए। और उसके बाद में इसमें हम ऐड करेंगे ग्रेटेड जिंजर, यानी कि अदरक। तो ये देखिए, कद्दूकस की हुई अदरक भी मैंने ऐड कर दी है। हरी मिर्च जो हमने काट कर रखी थी, वो भी आप इसमें ऐड कर दीजिए। इसके साथ ही देखिए, बहुत थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर भी हम ऐड कर देंगे। जस्ट कलर के लिए हमें ऐड करना है, बहुत ज्यादा हमें ऐड नहीं करना है। अच्छे से मिक्स कर लीजिए आप। तो इस काम को भी हमें हाई फ्लेम पर ही करना है। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद में हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। तो लगभग 1 टीस्पून के करीब मैं नमक ऐड कर रही हूं। थोड़ा सा कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया ऐड कर दीजिए, कलर के लिए भी, साथ ही खुशबू बहुत अच्छी आती है। अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें। और अब इसे हम सिर्फ 1 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम करके इसको ढक देंगे। 1 मिनट से ज्यादा आप इसको ना ढकें। जब ये सैलेड, अचार या सब्जी, आप जो भी बोलें, थोड़ा सा क्रंची रहता है तभी अच्छा लगता है। तो ये देखिए, 1 मिनट के बाद में मैंने ढक्कन को रिमूव कर दिया है। अब फ्रेंड्स, ये देखिए, हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के करीब अमचूर पाउडर, जो बहुत अच्छी सी खटास देगा। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और बस ये हमारा इंस्टेंट मूली और हरी मिर्च का अचार, सब्जी, सैलेड बनकर रेडी है। तो आप इसको किसी भी नाम से बुला सकते हैं, बस आप इसको एंजॉय करके देखिए। और खास तौर से ये छोले भटूरे के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे घर में तो जब भी छोले भटूरे बनते हैं, तो ये अचार जरूर बनता है। तो आप भी इसको बनाकर जरूर देखिएगा। रोटी आप खा रहे हो, रोटी सब्जी खा रहे हो, दाल खा रहे हो, दाल चावल के साथ भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। आप भी बनाइए इसको अपने घर में। कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी, लिखकर जरूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप रखिए अपना ख्याल। बाय।